यूथ गेम्स में स्टार्ट हो गए हुए वो पार्टिसिपेट किया और जितना आए जितना मेहनत की उन्होंने, प्राउड ऑफ यू और कीप इट अप यार, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा उन्होंने काम किया। हम सल्यूट करते हैं उनके घर वालों को, उनके कोच को और अर्शद अदीम को। साथ साथ हम यहाँ बताना चाहेंगे अपनी जनरेशन को कि यार आगे निकले, ये बाजू में कुछ नहीं रखा, ये बाजू में कुछ नहीं रखा, हमें आगे प्रूव करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत 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 करनी पड़ती है। और साथ साथ यहाँ ये बताना भी चाहूँगा, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमें वक्त के साथ चेंज होना पड़ेगा। अगर हमने आज पौधे नहीं लगाए तो अगले साल भी हम इसी तरह रो रहे होंगे गर्मी के मारे। तो हमें आज शेड्स का बंदोबस्त करना है, आज हमें पौधे लगाने हैं, आज हमें बाजी को डिस्करेज करना है और ये तैयार करने के 14 अगस्त से पहले हमें पौधे लगाने हैं। आज आप पौधा बेचेंगे, आज आप पौधा बांटेंगे, आज आप पौधे के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, तो जो भी आपके कहने पे, आपके ख़रीदने पे, आपके देने पे पौधा लगाएगा वो आपके लिए सत्कार जारी है, आपके घर वालों के सत्कार जारी होगा। तो ये है डिस्कस जो हम कर रहे हैं टॉपिक। बात करते हैं 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त इस बार आ रही है, बारिश की पुष्टि हुई थी, स्कूलों में छुट्टियां आगे बढ़ गई हैं और अक्सर 14 अगस्त से बारिश होती है। तो इस बार तैयार करें कि आज इस बार जो 14 अगस्त में आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव रखें कि आप पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या ऐसा करेंगे, तो कोई गोल सेट करें अपना। और गोल मैं नहीं बोल रहा लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कि यार आज मैंने कचरा नहीं फेंकना, आज मैंने पान की पिचकारी नहीं फेंकनी, आज मैंने मावा नहीं खाना, आज मैंने छालियाँ नहीं खानी, आज मैंने स्मोकिंग नहीं करनी। जो पैसे बच रहे हैं, जो पैसे बच रहे हैं पान ना खाने पे, जो पैसे बच रहे हैं सिगरेट ना पीने पे, जो पैसे बच रहे हैं छालियाँ ना खाने पे, वो पैसे मैं पौधा लेके मैं लगाऊंगा रोड के ऊपर। तो ये आज ही तैयार करें। बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे सामने है करीमाबाद का मीना बाज़ार, और ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये ब्रिज है करीमाबाद का ब्रिज जो कि शायद पाकिस्तान में बना है। सामने पूरी करीमाबाद की मार्केट है। आज डिटेल से मैंने 25-26 मिनट 30 मिनट की वीडियो बनाई है लाइव, आप देख सकते हैं। इससे पहले की जो लाइव है उसमें मैंने पूरी चीज़ कवर की है। जिसको भी करीमाबाद की अपडेट चाहिए अंडरपास की, मैंने आज सही का एक्सरे किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको करीमाबाद के पहले मरहले की डिटेल वीडियो चाहिए, तो इससे पहले वाली एक वीडियो है लाइव, तो उस पर मैंने पूरी जो एक्सरे किया है, कहाँ फॉल हुआ हुआ है, कहाँ इनका ब्लू पोल है, क्या काम हो रहा है, क्या सत्यानाश हो रहा है, क्या बड़ा गड़क हो रहा है, वो सब मैंने सब बताया हुआ है इस ग्रुप अपनी इससे पहले वाली लाइव जो है अपना वीडियो में। आप लाइव मेरे चैनल पे जाइए, लाइव पे जाइए और इससे पहले वाला लाइव आप देखिए, कराची करीमाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट, उसमें मैंने सब बताया हुआ है क्या भंडा हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, क्या मसाइल हैं, वज़ीर आला से क्या गुजारिशात किए हैं, मेयर कराची से क्या गुजारिशात किए हैं, सब चीज़ें मैं उसमें मैंने डिटेल बताई हुई हैं। और ख़ासकर पहले मरहले के जो काम है 33% 32% उसका मैंने पूरा एक्सरे किया डिटेल, उसको आप ज़रूर देखिएगा और उसको अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि काम की नोयत कैसी है कैसी नहीं है। और ख़ासकर हमारे वो व्यूवर्स जो कि वो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो स्पेशली करीमाबाद की अपडेट चाहते हैं, तो वो जो वीडियो है लाइव लास्ट जो मैंने अभी आज ही बनाई है लाइव वीडियो, वो आपके काफ़ी काम आएगी। इसमें आप देखिएगा कि मैंने पूरी डिटेल बात की है, आपको दिखाऊंगा, दिखाया भी है इसमें मैंने कि क्या काम हुआ हुआ है, क्या काम जो हुआ था उसका क्या बड़ा गलत हुआ है, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, सब चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपने देखना है तो करीमाबाद के हवाले से वो लाइव वीडियो आप जरूर दीजिएगा। आज है हफ्ते का दिन और 11 तारीख है और इसमें आप देखिएगा कि मैंने डिटेल में पूरा एक्सरे किया है कराची के करीमाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और जो पहला मरहला है उसमें क्या भंडे हुए हैं, कितनी गंदगी है, सब चीज़ें की डिटेल की हुई है। अभी भी हम डिस्कस करते हैं इस पर, मगर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने हल्के अहबाब में, ताकि लोगों को पता चल सके कि करीमाबाद में चल क्या रहा है मामला, और मेयर कराची को कोई टैग कर दे अल्लाह के वास्ते, और कोई वज़ीर आला को टैग कर दे वीडियो, ताकि उनको पता चले कि यार इनके लोग कर क्या रहे हैं। जो 1 अरब रुपये वाला मामला है वो 4 अरब पे क्यों पहुँचा है, ये पता होना चाहिए मेयर कराची को भी, वज़ीर आला को भी। तो काइंडली वो जो लाइव वीडियो है जिससे पहले वाली है उसको आप जरूर टैग करें मेयर कराची को उसमें और वज़ीर आला को, ताकि जो है डिटेल में